नमस्कार दोस्तों, फोन प्लस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज मैं बताऊंगा एंड्रॉयड फ़ोन्स के पांच ऐसे सीक्रेट ट्रिक्स जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा और आप अपने फ़ोन में इसका यूज़ ज़रूर करेंगे। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए वीडियो स्टार्ट करते हैं और बताता हूँ मैं आपको पाँच ऐसे एंड्रॉयड के सीक्रेट ट्रिक। तो दोस्तों सबसे पहला जो ट्रिक है वो है गूगल क्रोम में। गूगल क्रोम में आप वेब पेज में स्विच करने के लिए, जैसे आपका टैब्स होता है टैब्स में आप स्विच करने के लिए सबसे ऊपर जो होता है सर्च बार, वहाँ पे लेफ्ट या राइट स्वाइप करके आप दूसरे टैब्स में जा सकते हैं, जैसे कि देखिए मैं अभी कर रहा हूँ। तो ये एक बहुत ईजी प्रोसेस है टैब्स में टैब चेंज करने के लिए। और दोस्तों जो दूसरा ट्रिक है वो ये है कि आप किसी भी वेब पेज को PDF में कन्वर्ट करके सेव करके अपने फ़ोन में रख सकते हैं और आप चाहें तो किसी दूसरे को सेंड भी कर सकते हैं, वो उसको ब्राउज कर सकते हैं बिना कोई इंटरनेट के, डायरेक्ट आप कभी भी एक्सेस कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बढ़िया फीचर है, आपको बार बार किसी वेबसाइट में विजिट करना नहीं पड़ता है, आपका डेटा बच जाता है और कभी भी आप ऑफलाइन इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ कैसे करना है आपको किसी भी वेब पेज को PDF में कन्वर्ट। तो सबसे पहले आपको वेब पेज को ओपन कर लेना है, जो भी वेब पेज का PDF में कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे मैं ये क्रिकबज को अभी ओपन किया हूँ। उसके बाद आपको जाना है ऊपर जो तीन डॉट आपको दिखाई दे रहा है वहाँ पर क्लिक करना है तीन डॉट में। उसके बाद आपको जाना है शेयर में। शेयर में जाने के बाद आपको नीचे दिखाई देगा एक प्रिंट का ऑप्शन, आपको प्रिंट में जाना है। प्रिंट में जाने के बाद आप ऊपर देख सकते हैं राइट साइड में ऊपर एक डाउन एरो है, उसमें क्लिक करना है। उसके बाद देखिए सेव एज PDF आ रहा है, सेव एज PDF जब भी करेंगे और यहाँ पे कर देंगे सेव, तो ये हो जाएगा आपकी गैलरी में, सॉरी आपके माई फाइल में सेव, स्टोरेज में सेव हो जाएगा। आप इससे स्टोरेज से डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। और दोस्तों तीसरा जो ट्रिक है वो है पिन विंडो। पिन विंडो एक बहुत ही बढ़िया फीचर है। इससे होता क्या है, इससे होता ये है कि आप किसी भी विंडो को पिन कर सकते हैं अपने फ़ोन के स्क्रीन पर। अगर मान लीजिए मैंने ब्राउज़र को पिन किया है, क्रोम ब्राउज़र को, तो अगर मैं किसी को फ़ोन दे रहा हूँ देखने के लिए तो वो ब्राउज़र छोड़ के किसी और में जा नहीं सकता। आप इसमें क्या होता है, आपका बैक बटन, रिसेंड बटन, सारे बटन लॉक्स हो जाते हैं और सिर्फ जो स्क्रीन में है वही काम करता है, बैक नहीं होता है, पीछे नहीं जाता है, एक ही एप्लीकेशन काम करता है, वो पिन हो जाता है। तो उससे क्या होता है, आप किसी और को फ़ोन दे रहे हैं कुछ दिखाने के लिए तो वो छोड़ के दूसरा कुछ देख नहीं सकता। अगर इसको अनलॉक करने का प्रोसेस ये है कि आप एक साथ होम बटन और सॉरी रिसेंड की और बैक बटन को एक साथ प्रेस करेंगे तो वो ऑफ हो जाता है, लेकिन स्क्रीन भी लॉक हो जाता है, तो स्क्रीन को अनलॉक करने के बाद ही यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा सिक्योर फीचर है जिसको आपको अपने फ़ोन में यूज़ करना चाहिए। और दोस्तों चौथा जो फीचर है वो है वही PDF का ट्रिक को लेकर कि आप कुछ भी लिख के उसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। मैं अभी यूज़ कर रहा हूँ सैमसंग का फ़ोन, क्योंकि ये सारे सैमसंग के फ़ोन में होता है, आपके फ़ोन में है कि नहीं आप चेक कर लीजिए। मैं इसको सिंपली मेमो में राइट कर रहा हूँ। मेमो में राइट करके देखिए मैंने कुछ लिखा है और उसके बाद जब मैं शेयर में जाता हूँ यहाँ पे ये देता है PDF का ऑप्शन, तो इसको आप कुछ भी लिख के आप PDF को PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे PDF में मैं सेव करके रख सकता हूँ, मेरा जो मर्जी है मैं लिख के PDF क्रिएट कर सकता हूँ अपने फाइल फ़ोन से। देखिए यहाँ से डायरेक्ट मैं शेयर कर सकता हूँ, मेल कर सकता हूँ, ब्लूटूथ में भेज सकता हूँ, ड्राइव में सेव कर सकता हूँ, कहीं भी शेयर कर सकता हूँ PDF क्रिएट कर। और दोस्तों जो पाँचवा और आखिरी ट्रिक है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप इस ट्रिक से किसी भी लैंग्वेज में आप चैट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टाइप कर सकते हैं किसी भी लैंग्वेज, चाहे उसका कुछ भी नहीं आता हो आपको। तो ये जो ट्रिक है इससे आप इंग्लिश से आपको नहीं आती तो कोई बात नहीं, आप इंग्लिश में टाइप करिए, आपको वर्ल्ड का कोई दूसरा लैंग्वेज में टाइप करना है तब आप उससे करिए, तो आराम से कर सकते हैं। तो कैसे करते हैं चलिए मैं आपको बताऊँ। उसके लिए आपको डाउनलोड करना पड़ेगा Gboard, जो कि गूगल का कीबोर्ड है, उसको आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। चलिए हम डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। तो ये हमारा डाउनलोड हो गया है Gboard। तो उसके बाद आपको करना है कि आपको यहाँ पे जाना है गूगल का आइकन में क्लिक करके यहाँ पे ट्रांसलेट में जाना है। ट्रांसलेट में जाके आप एक साइड में अपना लैंग्वेज सिलेक्ट कर लीजिए और दूसरे साइड में जो लैंग्वेज में आप मैसेज करना चाहते हैं वो सिलेक्ट कर लीजिए, और आप जैसे ही अपने लैंग्वेज में लिखेंगे वो अपने आप ही वो कन्वर्ट कर लेगा दूसरी लैंग्वेज में। जैसे मैं हिंदी में लिखा और यहाँ पे इंग्लिश में कन्वर्ट हो गया, कैसे हो लिखा तो हाउ आर यू कन्वर्ट हो गया। तो यही वो ट्रिक, इससे आप कोई भी लैंग्वेज में चैट या मैसेजिंग या मेल कर सकते हैं।
तो दोस्तों आशा करता हूँ ये 5 ट्रिक आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको पसंद आए और ये वीडियो ज़रा भी आपको पसंद आया तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिए। और आप अगर हमारे चैनल फोन प्लस पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।